हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग अपफ्रंट इन्वेस्टिंग दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं केमिकल सेक्टर स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न देने में काफी फेमस है इनफैक्ट पूरे का पूरा सेक्टर मल्टी बैगर रिटर्न देने में बहुत नाम कमा चुका है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं मार्केट में ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने केमिकल सेक्टर से भी ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं अगर ज्यादा नहीं तो उनसे पीछे नहीं है वो भी केमिकल सेक्टर स्टॉक्स को कड़ी टक्कर देते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स लेके आए हैं जो केमिकल सेक्टर के के स्टॉक्स बराबर ही आपको रिटर्न दे सकते हैं फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में और दोस्तों इतना ही नहीं आपको जान के हैरानी होगी कि इन स्टॉक्स में लास्ट टेन ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को फिफ्टी परसेंट के कैगर से रिटर्न्स बना के दिए हैं तो दोस्तों इनमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिल जाए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक एक ये एक शोर शॉर्ट बेट हो सकते हैं तो आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज हमने लर्निंग अफ इन्वेस्टमेंट जो हमारा नया चैनल है उस पर सुबह ग्यारह बजे एक वीडियो अपलोड कर दी है बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना फ्रेंड्स बहुत इंफॉर्मेटिव है और उस वीडियो का लिंक हमने कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है आप वहां जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज सर्विस यानी कि सी पी ए एस वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिजनेस है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एस सर्विस जिसको हम जानते हैं सी के नाम से तो फ्रेंड्स यहां पे पॉइंट नोट किया जाए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेयर और जैसा कि आप जानते हैं आजकल एसएमएस के जरिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है हर ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस यूज होता है हर कम्युनिकेशन के लिए पुश नोटिफिकेशन के लिए कोई ना कोई एस एस यूज होता है किसी ना किसी मैसेंजर के थ्रू और इसी सेक्टर में ये एक लीडर प्रोवाइडर है और आप देख सकते हैं इट प्रोसेस मोर देन 800 हंड्रेड बिलियन इंटरक्शन एनुअली एंड अबाउट 70 परसेंट ऑफ इंडिया ए टू पी एस एम एस ट्रैफिक इज प्रोसेस थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो ये काफी ट्रस्टेड सोर्स है क्योंकि इनका मोटो है पर्सनल डाटा शुड स्टे पर्सनल और कम्युनिकेशन हैज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यूजर्स आर एनपावर्ड विद ट्रस्ट एंड चॉइस एक्सटेंसिव डाटा एनालिसिस फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग ओके दोस्तों ये कुछ कंपनी की हिस्ट्री दे रखी है आप यहां पे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और अगर आगे बढ़े तो यहां पे भी कुछ हिस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं इसको हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे तो आप देख सकते हैं इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है दोस्तों इसने एक वाइजली नाम ना, नाम से सर्वे स्टार्ट की है और उसका पर्पज है अ ग्लोबल एज टू एज फुली ब्लॉक चेन बेस्ड प्लेटफॉर्म तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लॉक हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है और अदर देन दिस ए आई ओब्लिक एम एल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इसमें भी ये कंपनी सर्विसेज देती है तो ऑल एंड ऑल आई टी सेक्टर की एक फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और अगर सेल्स की बात करें तो मार्च 2018 से लेके अब तक इसकी सेल्स 792 करोड़ से बढ़ के हो गई है 3380 करोड़ और अगर हम प्रॉफिट की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो 66 करोड़ से बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं 696 करोड़ पे एंड इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज तो वो 8 परसेंट से बढ़ के पहुंच गए हैं 21 परसेंट पे और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ से बढ़ के पहुंच गए हैं 535 करोड़ पे हालांकि यहां पे इसमें कुछ डिप देखने को मिला है बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में कंपनी की स्टोरी इंटैक्ट है और ग्रोथ

ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती ही जा रही है और अभी लेटेस्ट की बात करें तो फोर्टी एट परसेंट की आर ने क्लॉक की है जो बहुत इंप्रेसिव है तो फ्रेंड्स स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख लेते हैं देखिए लास्ट टेन ईयर में इसने रिटर्न देखिए सिक्सटी के कैगर से इसने रिटर्न बना के दिए हैं एंड फाइव इयर्स की बात करें तो 92 परसेंट के कैगर से और थ्री इयर्स की बात करें तो मल्टी बैगर रिटर्न सिक्सटी के कैगर से इसने रिटर्न बना के दिए हैं और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में हमको मिल रहा है जो हम आगे देखने वाले हैं और दोस्तों अगर इसकी रिजर्व्स की बात करें तो करंटली कंपनी के पास 1340 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरोइंग इज ओनली 54 करोड़ सो कंपनी इज टोटली डेट फ्री और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम 934 करोड़ टू तो 2395 करोड़ पे इसके एसेट्स पहुंच चुके हैं और प्रमोटर की होल्डिंग्स देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कम प्रोमोटर्स धीरे धीरे इसमें अपना स्टेक बढ़ाते चले जा रहे हैं 42.29 परसेंट का स्टेक था और अभी ऑलमोस्ट आफ्टर वन ईयर 43.74% का स्टेक ये हो गया है और सेम ट्राजेक्ट्री पे एफ भी चल रहे हैं ट्वेल्व परसेंट का स्टेक था जो बढ़ के हो गए है थर्टीन परसेंट और डी की बात करें तो 1.56 परसेंट से बढ़ के हो गए हैं 2.77 परसेंट तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें प्रोमोटर्स प्लस एफ प्लस डी ये सभी अपना स्टेक इसमें कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन पब्लिक जो वीक हैंड्स मानी जाती है वो अपना स्टेक कॉन्टीन्यूअसली ड्रॉप कर रहे हैं देखिए 43.20 परसेंट का स्टेक था और जो आफ्टर वन ईयर इट हैज परसेंट। तो ऑल टुगेदर करंट जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ ऐसा नजर आता है 43.74 परसेंट का स्टेक प्रमोटर्स के पास है 13.46 परसेंट का स्टेक एफ के पास है और 2.77 परसेंट का स्टेक डीआईस के पास है और पब्लिक के पास फोर्टी पॉइंट थ्री परसेंट जीरो का स्टेक है तो ऑल इन ऑल इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर इसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है is, plus plus DII's. और जैसा आप ऑलरेडी देख चुके हैं ये तीनों स्ट्रॉग हैंड्स अभी अपना स्टेक बढ़ाते ही चले जा रहे हैं तो इसके मार्केट कैपिटल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 11,145 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2,097 थाउजेंड का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट रुपीज एट ओनली और आर देखिए दोस्तों 58.8 परसेंट ऑलमोस्ट 59 परसेंट का आर ओ है ई है जो काफी हाई है और आर इज ऑलमोस्ट 48 परसेंट तो फ्रेंड्स अभी अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 60 टू 65% का डिस्काउंट इसमें चल रहा है और अगर 200 डीएमए का लेवल चेक करें तो इट कम्स आउट टू बी 1046 रुपीज। और 200 डीएमए से भी ये काफी नीचे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं और स्टॉक का नाम आप जान ही चुके हो इट इज टानला प्लेटफार्म नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों मार्केट कैपिटल ओनली सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन करोड़ है क्लियरली दिस इज स्मॉल कैप स्टॉक करंट प्राइस इज फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन और ऑल टाइम हाई है इसका एट हंड्रेड थर्टी थ्री और दोस्तों इसका टू हंड्रेड डीएमए देखिए फाइव सेवेंटी सेवन तो वहां से टू हंड्रेड डीएमए से भी अभी ये नीचे ट्रेड कर रहा है आर ओ सी इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू परसेंट आर इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन परसेंट

और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट टेन ईयर में ट्वेंटी थ्री परसेंट लास्ट फाइव ईयर में थर्टी टू परसेंट लास्ट थ्री इयर में फिफ्टी थ्री परसेंट टू कंपाउंडेड तो आप चेक कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो लास्ट में आर ओई क्लॉक किया है वहीं लास्ट फाइव ईयर में ट्वेल्व परसेंट लास्ट थ्री ईयर्स में सेवेंटीन परसेंट और लास्ट ईयर में ट्वेंटी फोर परसेंट का शानदार आरओ इसने क्लॉक किया है तो वहीं अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की देखें तो देखिए दोस्तों लास्ट टेन ईयर में इसने फिफ्टी नाइन परसेंट का शानदार सीएजीआर ग्रोथ क्लॉक किया है लास्ट फाइव इन में फिफ्टी सेवन परसेंट का सीएजीआर लास्ट थ्री इस में वन हंड्रेड थर्टी सिक्स परसेंट का शानदार सीएजीआर रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं तो स्टॉक का नाम है बोरोसिल रेन्यू रेन्यूएल्स एंड इट इज एंगेज इन द बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटो वोल्टिक पैनल फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस तो दोस्तों अगर इनकी मेन बिजनेस की बात करें तो ये सोलर ग्लास बनाते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन और ये कुछ इनकी कैटेगराइजेशन साइड में दी हुई है तो दोस्तों प्रिंट काफी छोटा है हो सकता है आपको क्लैरिटी से नजर ना आए तो मैं ये एक बार रीड कर लेता हूं देखो मार्केट सेगमेंट्स तो तो की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लासेस हाई परफॉर्मेंस ग्रीन हाउस ग्लासेस सोलर रूफटॉप एटसेट्रा और कस्टमाइज साइज मतलब हर टाइप का ऑलमोस्ट हर साइज का ये ग्लास मैन्युफैक्चर कर देते हैं एज पर द डिमांड्स ऑफ कस्टमर और ग्लास कॉम्बिनेशन की बात करें कॉम्पोजिशन की सॉरी तो बोरोसिल सोलर ग्लास विद लो एंटीमनी कॉन्टेंट एंड एन नो एसबीआर यानी कि बोरोसिल सोलर ग्लासेस विदाउट एंटी मनी और एडिशन ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट्स शक्ति और सलीन इन दो कैटेगरी में इन्होंने नए नए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अगर शक्ति की बात करें तो ये हाई एफिशिएंसी मेटेड फिनिश्ड ग्लास है और वहीं सलीन की ये एंटी ग्लेयर सोलर ग्लासेस है और वैरायटी ऑफ थिकनेस आती है और कोटिंग इनके पास जो ये ग्लास ग्लास बनाते हैं तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एंटी सॉइलिंग कोटिंग और ए आर प्लस ए एस कोटिंग दैट इज एंटी रिफ्लेक्टिव प्लस एंटी सोइलिंग कोटिंग टू इन वन और अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो फर्स्ट ये एक बार लिस्ट देख लीजिए लो सोलर टेक्सचर ग्लासेस, सोलर ग्लास विद मेट फिनिश ये इनकी लिस्ट है और अगर मैं डिटेल में इनकी कॉम्पोजिशन की बात करूं तो लो आयरन टेक्सचर ग्लास की ये पिक दी हुई है और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है ये आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके और अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें शक्ति सोलर ग्लास इन मैट फिनिश तो उसकी डिटेल कुछ दी गई है फुली टेम्पर्ड सोलर ग्लास उसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं नेक्स्ट इज एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास तो वो क्या होता है डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दी गई है आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नेक्स्ट इज सलीन दैट इज एंटीग्लेयर सोलर ग्लास इसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन पे जानकारी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके उसके बारे में पढ़ सकते हो कमिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज सोलर ग्लास विद एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग सोलर ग्लास विद एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो यहां पे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है सोलर ग्लास विद एंटी सोइलिंग कोटिंग तो उसकी डिटेल्स यहां पे हैं एंड देन कुछ सर्टिफिकेशंस हैं कंपनी के तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सोलर एनर्जी अभी इंडिया में काफी लार्ज स्केल पे यूज होने लगी है नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एंटायर वर्ल्ड तो वहां पे मेरे को लगता है बोरोसेल रिन्यूएबल्स एक क्लियर कट बेनिफिशियरी इस इनिशिएटिव का हो सकता है तो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टूर नेक्स्ट स्टॉक इसका मार्केट कैपिटल देखिए 31,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट 557 और इसका ऑल टाइम हाई है सिक्स हंड्रेड तो दोस्तों अगर आर की बात करें तो 13.8 परसेंट का आर है और आर ओ इज ट्वेल्व परसेंट ऑलमोस्ट ट्वेल्व परसेंट और प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.3 परसेंट है और बाकी पैरामीटर्स हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं लास्ट टेन ईयर्स में 22 परसेंट लास्ट फाइव ईयर में 20 परसेंट लास्ट थ्री ईयर में 12 परसेंट कमिंग टू कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट टेन ईर्यर में थर्टी लास्ट फाइव ईयर में सिक्सटीन लास्ट थ्री ईर्यर में सेवन तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोविड इफेक्ट थोड़ा सा विजिबल है बट लॉन्ग टर्म में इस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कमबैक बहुत सॉलिड किया है थर्टी अगेन इन करंट ईयर नाउ मूविंग ऑन टू रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट टेन ईयर में फोर्टीन परसेंट लास्ट फाइव ईयर में फोर्टी परसेंट थ्री ईर्यर में इलेवन परसेंट लास्ट ईयर में ट्वेल परसेंट और रिटर्न देखिए इसने कितने शानदार अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं लास्ट टेन ईयर में फिफ्टी फोर परसेंट के सी एजीआर से इसने रिटर्न बना के दिए हैं और लास्ट फाइव ईयर्स में थर्टी टू परसेंट के कैगर से लास्ट थ्री ईयर में फोर्टी सिक्स परसेंट के कैगर से और लास्ट वन ईयर में आप देखिए फोर्टी परसेंट के कैगर से इसने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिए हैं जो काफी मल्टी बैगर रिटर्न है सेल्स की बात कर लेते हैं चेकिंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स इसने मार्च 2017 इसने मार्च करोड़ की सेल्स जनरेट की थी और जो बढ़ते बढ़ते अभी हो गई है 9,266 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम हैव हंड्रेड टू दे करोड़ और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें फाइनली तो वन करोड़ से बढ़ते बढ़ते हो गए हैं 538 करोड़ तो ऑल इन ऑल काफी सॉलिड ग्रोथ कंपनी दिखा रही है सेल्स में प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में कमिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों कितना स्ट्रॉन्ग है 70 परसेंट का स्टेक प्रमोटर्स के पास है 9 परसेंट का स्टेक एफआईआई के पास है 14 परसेंट का स्टेक डीआईआई के पास है और पब्लिक के पास क्या बचा ओनली सिक्स का स्टेक तो फ्रेंड्स इसके ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स स्ट्रॉ हैंड्स में ही है दैट इज प्रोमोटर्स प्लस एफ आई आईज प्लस डी आई आईज तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत कमाल का मुझे लग रहा है क्योंकि वीक में यानी कि पब्लिक के पास तो स्टॉक्स बहुत ही कम है सिक्स पॉइंट एट नाइन परसेंट ओनली तो स्टॉक का नाम है यूनो you मिंडालिम know तो दोस्तों बता दे कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट बनाती है और जैसे कि आप जानते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में इंडिया में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है टू एंड फोर और दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है तो वहां पे भी ये इस टाइप के पार्ट्स बनाना कंटिन्यू करेगी क्योंकि ये पार्ट्स कॉमन है दोस्तों आपका इंटरनल कंबेशन इंजन हो दैट इज पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो इस तरह के पार्ट्स तो सभी में यूज होते हैं जैसे स्टेयरिंग हो गया व्हील कवर हो गया गेयर बॉक्स हो गया तो ये सभी पार्ट्स ये बनाती है हेडलाइट्स एटसेट्रा ये आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट फ्यूल सिस्टम एयर फिल्टर आप डिटेल से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हॉर्न हॉर्न है अलॉय व्हील्स हैं हेडलाइट्स और ये सेंट्रल सिस्टम है डैशबोर्ड का गियर शिफ्टर्स ये म्यूजिक सिस्टम कम रिवर्स पार्किंग स्क्रीन स्पीकर्स तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं और दोस्तों आप देख लेते हैं इसके रिप्यूटेड कस्टमर्स तो कस्टमर देखिए अगर टू व्हीलर की ब्रांडिंग में बात करें तो बजाज ऑटो बी एमडब्ल्यू हॉंडा हीरो महिंद्रा पियागो और ये रॉयल एनफील्ड ये टीवीएस सुजुकी यामा ये इसके कस्टमर्स हैं इन टू व्हीलर सेगमेंट अगर हम फोर व्हीलर में देखें तो अशोक लिवल फोर्ड फियट तो बहुत जाने माने रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं जीएमड होंडा मारुति सुजुकी महिंद्रा निशान रेनॉल्ड टाटा टोयोटा वॉक्स और अगर ओफ कैटेगरी में देखें तो आइचर मोटर्स एक्सकोर्स, जेसीबी महिंद्रा न्यू हॉलैंड सोनालिका स्वराज टेफे तो दोस्तों देखा कितने ब्रॉड रेंज ऑफ व्हीकल्स ये कैटर करता है तो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका फ्यूचर फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि ये सभी जो पार्ट बनाता है ये इलेक्ट्रिक वेहीकल्स में भी यूज होते हैं तो दे ऑल आर कॉमन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंटरनल कंबेशन इंजिन व्हीकल्स तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए गए हैं आप उन दोनों वीडियोस को एंड तक जरूर देखें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो